तो जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। अब इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इस कानून का समर्थन करते नजर आए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि ये कानून किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है और इस कानून के अंतर्गत किसी भी समुदाय के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये कानून देश के हित के लिए है, जिसके लिए हम लोग पैम्पलेट बांटकर लोगों को इस कानून के विषय में जानकारी देते हुए जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो जहां एक तरफ पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है CAA और NRC को लेकर, वहीं बजरंग दल ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि वो इसके साथ है और लोगों को जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित ना करें, वो पैम्पलेट बांटकर लोगों को CAA की जानकारी देंगे। हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रीकरण हुए हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम जो आया है 2019 में, इसके तहत हम सारे लोग यहाँ पर जन जागरण करेंगे। इसका जो विरोध हो रहा है, उसके विरोध में, समर्थन में हम लोग सारे लोग यहाँ एकत्रीकरण हुए हैं। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भी हिंदू शरणार्थी आया है, उसको हिंदू नागरिकता देंगे। जितना भी अल्पसंख्यक है हमारा वहाँ पर, उनको नागरिकता देने का एक कानून आया है, सरकार लाई है, उस पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं।